वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा अमित मोहन प्रसाद ने कोविड-19 की समीक्षा की। गोरखपुर के NISC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने सभी CHC और PHC पर मरीजों की भर्ती के लिए बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि जहां पर भर्ती मरीजों की संख्या अधिक है वहां पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए। इसके साथ उन्होंने एम्बुलेंस संचालन के लिए कड़े निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी तैयारियां पूरी रखें जिससे कोविड मरीजों को समय से उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उपलब्ध करा देते हैं, वो आशा संगी अपनी आशाओं के माध्यम से उनको शाम से वो पहुंच नहीं पाती है सर। तो ये मेरे इश्यूज थे सर, और बाकी कॉन्सेप्ट सर बहुत अच्छा है क्योंकि बेसिक स्तर पर MBBS डॉक्टर और स्टाफ नर्स के द्वारा भी काफी हद तक एग्जीक्यूट किया जाता है। केवल ऑक्सीजन एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए अभी पैसे जो शिव साहब ने ये बताया कि मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताया है कि मैं अगर कई CHC ऐसी होती है जहाँ के की चिकित्सा अधीक्षक वहीं पर रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ का स्टाफ काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो ऐसे चीज़ों को उनमें ऐसी CHCs को आप लोग सेलेक्ट करिए और जो काफ़ी चलती रहती है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने बताया कि अभी UP मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से आप लोग को प्रेडनिसोलोन टैबलेट जो है जो जियो में आप देखेंगे तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन टैबलेट दो और दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। तो प्रेडनिसोलोन हमारे पास उपलब्ध है, उसको आप लोग लेकर जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको आप सप्लाई पर वो कर सकते हैं। 10-15 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन HFNC के लिए हम लोग आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, हम यही कह रहे हैं कि जब बहुत नेसेसरी हो तभी इस्तेमाल करें, अदरवाइज यू जस्ट स्टिक टू ऑन द बाइग्राम, क्योंकि बाइग्राम भी एज इफेक्टिव है वो दिक्कत है और कंसंट्रेटर से अभी नहीं चल पाएगा। ओनली थिंग इज कि जब हमारे पास 10 लीटर वाला जो मास्क जब वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम उससे बाइकर चला सकते हैं।